राउंड टू का मैक्सिमम लोकेशंस, मैक्सिमम स्टेट्स या फिर एमसीसी का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है किसको एडमिशन मिला है, किसको एडमिशन नहीं मिला। अब क्वेश्चन ये आता है, राउंड थ्री या फिर मॉप अप राउंड या जो भी राउंड बोलें, हम उसको बोलेंगे नेक्स्ट राउंड। क्या हमें नेक्स्ट राउंड या फिर थर्ड राउंड ही बोल देते हैं, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में बैठना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए? ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पैसा वेस्ट हो, ऐसा लगे स्टूडेंट्स को, या फिर हमें ड्रॉप ले लेना चाहिए? और जो स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हम तो ड्रॉप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अब हम क्या करें, कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो हमारा तो ईयर वेस्ट हो जाएगा, तो इस पर एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमसीसी का सिचुएशन क्या है यहाँ पे। एमसीसी मतलब ऑल इंडिया। अब देखिए, एमसीसी में आपके पास कॉलेजेस आते हैं एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आते हैं जिनका कोटा होता है 15% का, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और उसके अलावा जो भी दूसरे ऑप्शंस आते हैं। तो आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि एमसीसी में आपके पास जो टॉप के टॉप ऑप्शंस हैं, टॉप इन इंडिया, टॉप इन स्टेट, ये ऑप्शंस सरासर क्लोज्ड हो चुके हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कैटेगरी या फिर कोटा। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर डिफेंस कोटा में हमें क्या कॉलेज मिल जाएगा राउंड थ्री में? अगेन क्वेश्चन ये है कि क्या उस स्टेट में, उस लोकेशन में डिफेंस कोटा है? इफ़ यस, तो क्या सीट्स अवेलेबल हैं? ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो टॉप कॉलेज इंडिया लेवल पे हैं, टॉप कॉलेज स्टेट लेवल पे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो एम्स हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हों या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, एम्स दिल्ली, बनारस हिंदू, सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी KGMU की अगर मैं बात करूँ, फिर इसके बाद मैं GMC, किसी भी GMC की बात कर लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ MGM इंदौर MP का, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस हैं। उसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे नाम हैं, एक नाम हम ले सकते हैं KMC मणिपाल का, हालांकि दूसरे भी ऑप्शंस हैं। तो जो वन ऑफ द टॉप्स हैं ये तो फिल हो ही चुके हैं, यहाँ पे अब कोई भी ऑप्शंस आपके पास नहीं मिलने वाला इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी क्या कैटेगरी है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस बचेंगे एग्जैक्टली, हम एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कितनी सीट्स खाली हैं, तो अब हम क्या करें, लेकिन यहाँ पे अब जो ऑप्शंस बच रहे हैं हमारे पास, वो ऑप्शंस बच रहे हैं जो लोअर कैटेगरी के कॉलेजेस हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन से कॉलेजेस हैं, या फिर वहां पे सीट्स बहुत ज्यादा खाली हैं, या फिर वहां का बजट बहुत ज्यादा है। तो बजट वाइज अगर मैं बात करूं तो आप बजट एक्सपेक्ट कर सकते हो 90+ का, वहां पे 90+ का बजट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन MCC काउंसलिंग, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो या तो आउटस्कर्ट, मतलब साउथ इंडिया के मैक्सिम, बहुत सारे कॉलेजेस में हाई कट ऑफ जाता है राउंड थ्री, मतलब लो कट ऑफ जाने लगा राउंड थ्री में। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स राउंड वन राउंड टू में ही अच्छे कॉलेजेस ले लेते हैं, तो जो सीट्स बच जाती हैं फिर वो अदर स्टूडेंट्स के लिए बच जाती हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोअर कॉलेजेस मिलेंगे, तो राउंड थ्री में या फिर मॉपअप राउंड में आपके जो कॉलेजेस मिलने के चांसेज हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कैटेगरी, कोटा, लोकेशन 30% है, 30% ही है। अब इस फिगर 90 फिगर को हम साथ में रखेंगे, स्टेट काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। स्टेट काउंसलिंग का भी वही हाल है, टॉप मेडिकल कॉलेजेस जो हैं दे आर क्लोज्ड, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस क्लोज्ड, टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर आल्सो क्लोज्ड, वहां पे सीट्स नहीं बची हैं। MP स्टेट की अगर मैं बात करूं तो NRI सीट्स जो होती हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो राउंड टू में मैक्सिमम कॉलेज की फिल हो गई हैं, मैक्सिमम कॉलेज की फिल हो गई हैं। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि वैकेंसी बचेगी या नहीं बचेगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी सीट्स फिल हो गई हैं। तो आपके पास स्टेट्स में या तो न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होंगे या फिर लोअर कैटेगरी के कॉलेजेस होंगे। लोअर कैटेगरी मतलब वहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा नहीं है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़्यादा पेशेंट जाते नहीं हैं, ऐसा कोई लोकेशन होगा, स्पेसिफिकली तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ ये सिचुएशन होगा, तो आपको फिर ये कॉलेजेस मिल सकते हैं अगर आपका मेरिट है तो। और उसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिनकी फीस ज़्यादा है या फिर रैंक इतनी अच्छी नहीं है, वो आप टारगेट कर सकते हैं। ऑल इंडिया की बात करूँ तो UP शायद एक ऐसा स्टेट हो सकता है आपके लिए जहाँ पे शायद
राउंड थ्री में कोई कॉलेज मिल जाए, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ। एमपी ऑलमोस्ट क्लोज्ड है, राजस्थान ऑलमोस्ट क्लोज्ड है, गुजरात क्लोज स्टेट है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, न्यू रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। सेम चीज़ स्टेट कोटा में आपके एक कॉलेज लेने के, गवर्नमेंट या प्राइवेट, आपकी स्टेट में चांसेस ऑलमोस्ट 20% है। रीज़न उसका मैं ये बता दे रहा हूँ, स्टेट में अब आपको ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया तो क्लोज हो चुका है। अब सवाल ये आता है कि मैं क्या करूँ, मुझे ना तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है स्टेट में, स्टेट हुआ या इंडिया, ऑल इंडिया की मैं बात करूं, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिल नहीं रहा है, क्या करूं मैं? आप बढ़ें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ, क्योंकि यही ऑप्शन है। अगर आप ड्रॉप नहीं ले सकते, अगर ड्रॉप ले सकते हो तो फिर तो ड्रॉप लो आप। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी बात करूं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एक्सपेक्ट करो 70+ का बजट, 70+ का बजट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएगा या उससे ऊपर ही चला जाए। लेकिन उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होगा कि सर हम 70+ जा रहे हैं, 80+ जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो कॉलेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो उसमें फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ट्राई कर सकते हो एब्रॉड का। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर एब्रॉड, पेरेंट्स भी बोलते हैं सर एब्रॉड जा रहे हैं, इतनी दूर जाएंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन है नेपाल का। नेपाल में आपका बजट लगभग 50 से लेके 65-70 तक टोटल हो जाएगा। नेपाल आपके पास एक ऑप्शन है। एब्रॉड में फिर मैं बात करूं तो जॉर्जिया एक ऑप्शन हुआ, रशिया एक ऑप्शन हुआ, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एक ऑप्शन हुआ। इटली का ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली क्लोज हो चुका है क्योंकि आईमैट का एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन फिनिश हो चुका है। तो ये है सिचुएशन अल्टीमेटली। और ये सब नहीं करना तो फिर ऑब्वियसली बात है BDS आपके पास एक ऑप्शन है, आयुष का एक ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि जो स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशलिस्ट बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ MBBS करके ही बनते हैं, BDS और आयुष करके इतने बड़े स्पेशलिस्ट नहीं बन पाते हैं। सो क्या सिचुएशन रहेगा ये तो आपको समझ में आ चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, तो आप जाएं इस नंबर पे कॉल करें और हमारी टीम से डिस्कस करें 1-to-1 की एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं, और हो सकता है आपका कॉल मैं भी उठा लूँ, या फिर नीचे फॉर्म दिया गया है उस पर जाके डिटेल फिल कर दें, हमारी टीम से बात करें। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हुआ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हुआ, जो भी आपका बजट है, जो भी आपकी रैंक है, उसमें बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन विद काउंसलिंग कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये हमारी टीम डिस्कस करेगी और आपको गाइड करेगी। तो जाएं अपने डिटेल्स, या तो आप कॉल करें या फिर अपने डिटेल्स फिल करें। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।